हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2। तो हम 11.2 में देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे 11.2 में। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है टर्म प्रॉफिट एंड लॉस, तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट आपको पता है क्या होता है। जैसे हमें किसी भी चीज़ में, हमें मतलब कोई हम डीलिंग करते हैं, कोई भी डील करते हैं, अगर हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। जिसमें कोई हमें फ़ायदा होगा तो वो हमारा प्रॉफिट है, अगर कोई नुकसान हो गया तो वो हमारा लॉस है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस से पहले आपको, हमें ये मनी के टर्म्स में करना है तो हमें आइटम्स का देखना होगा कि हमें कोई भी चीज़ जो है हम उसकी डीलिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ जो है हम सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले टर्म आती है कॉस्ट प्राइस, सीपी। सीपी इज स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस भी प्राइस में हम कोई मनी कोई आइटम खरीदते हैं, बॉच करते हैं। बॉट मीन्स खरीदना होता है, परचेज करते हैं। जब भी जितनी प्राइस में, जितनी वैल्यू में हम कोई आइटम जो है हम खरीदते हैं, उसे हम उस आइटम का सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जैसे जय बॉट ए मोबाइल फोन फॉर ₹12,500। तो मोबाइल फ़ोन का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो हुआ हमारा 12,500। तो जिसमें जो आइटम हम जितने रुपीज़ में खरीदते हैं, वो उसका सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेल मीन्स बेचना होता है। तो जिस प्राइस में हम कोई आइटम को सोल्ड करते हैं, जिस आइटम को जितने प्राइस में सोल्ड करते हैं, वो हमारा SP होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो इतने में हमने कोई भी आइटम जो है हमने खरीदी है, तो वो हमारा CP होगा। और जितने प्राइस में हमने कोई आइटम सेल की है, बेची है, तो वो हमारा SP होगा। तो देखिए, जैसे ये शॉपकीपर सोल्ड अ क्रिकेट बैट फॉर ₹1,500। तो इसका SP क्या हो गया? क्रिकेट बैट का 1500 हो गया, ये इसका SP। फिर देखिए, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमें कैसे पता चलता है। देखिए, अगर हमने कोई भी आइटम है, हमने कम रुपए में खरीद कर ज़्यादा रुपए में बेच दी। खरीदी तो हमने कम में खरीदी, CP तो हमारा कम हुआ, बट हमने जो बेची थी वो ज़्यादा में बेच दी, सेल कर दी, तो उसका SP जो है वो ज़्यादा होगा। जब हमारा SP ज़्यादा होता है CP से, SP सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है, और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, जिसने में हमने खरीदा है, वो हमारा कम है, तो हमारा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कब होगा? जब SP ज़्यादा होगा और CP कम होगा। SP ज़्यादा है, CP कम है, तो प्रॉफिट है। और इसी का उल्टा करें, CP ज़्यादा है, SP कम है, तो हमारा लॉस होता है। देखिए, हमने कोई भी चीज़, मान लीजिए हमने कोई आइटम ली, हमने पेन लिया। पेन अगर हमारा CP जो पेन का है 5 रुपीज़ का, हमने 5 रुपये में तो पेन लिया, खरीदा, परचेज किया, और हमने जो बेचा, हमने इसको बेच दिया 8 रुपीज़ में, 5 रुपीज़ में खरीद कर 8 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो देखिए, हमने खरीदा तो 5 का, बट बेचा कितने का? 8 रुपीज़ का। तो हमारा जो 3 रुपीज़ है, इसको लेस करके, तो वो हमारा प्रॉफिट होगा, हमें 3 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। इसी का उल्टा अगर हम देखें, हमने खरीदा तो 5 रुपीज़ का, जो हमने कॉस्ट प्राइस दिया उसको परचेज किया 5 रुपीज़ में पेन, बट जो हम बेच रहे हैं उसको 3 रुपीज़ में बेच रहे हैं, 3 रुपीज़ में हम उसको सेल कर रहे हैं। खरीदा तो 5 का, सेल किया हमने 3 का, तो हमें लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म्स को हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट कैसे होता है? SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। इसी में अगर आपको कोई भी, जैसे ये इक्वेशन होती है हमारी मेन, तो इसमें अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, तो हम SP माइनस CP करेंगे। जब CP और SP दोनों दे रखे हैं, तो हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अगर हमें CP दे रखा है, देखिए, अगर जैसे हमें CP दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, तो हम SP निकाल सकते हैं। CP देखिए, यहाँ पे माइनस है, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। CP प्लस प्रॉफिट हो गया, तो हम SP निकाल सकते हैं। यही हमें CP निकालना हो, तो हम SP माइनस प्रॉफिट कर देंगे। अब ये देखिए, CP उधर चला जाएगा, प्रॉफिट इधर आ जाएगा, तो SP माइनस प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंग लॉस की टर्म होती है। लॉस में क्या होता है? CP माइनस SP। प्रॉफिट में SP माइनस CP होता है, और लॉस में CP माइनस SP होता है।
इसी टर्म को हम अगर उल्टा कर दें, अगर हमें सीपी फाइंड करना है, हमें लॉस और एसपी दिया हुआ है तो हम एसपी और लॉस को ऐड कर देंगे। अगर हमें एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को लेस कर देंगे तो वो हमारा एसपी हो जाएगा। तो ये आपको टर्म्स जो हैं, ये टू इक्वेशंस, ये आपको याद रखनी है सीपी और एसपी की। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या इफेक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आपको ये देखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में एग्जाम्पल समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।